विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची, ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। ओलंपिक्स में 7 शूटिंग इवेंट्स में इंडियन शूटर्स फाइनल्स में पहुंचे और ये भी पहली बार हुआ है। इसी तरह तीरंदाजी में धीरज और अंकिता पदक के लिए खेलने वाले पहले भारतीय तीरंदाजी बने और लक्ष्य हमारा लक्ष्य सेन आपके मैच ने तो पूरे देश का जोश बढ़ा दिया है। हमारे लक्ष्य भी ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। हमारे अविनाश शावले इसने स्टीपल चेज के फाइनल में क्वालिफाई किया, इस फॉर्मेट में ये भी फर्स्ट टाइम रहा। साथियों, हमारे ज्यादातर मेडलिस्ट, जैसा मैंने कहा, अपने 20s में है, बहुत छोटी आयु के हैं। आप सभी बहुत युवा है, आपके पास बहुत समय है, बहुत ऊर्जा है। और ये भी सही है कि टोक्यो के और पेरिस के बीच में नॉर्मली 4 साल का समय रहता है, इस बार 3 साल का ही समय था, तो हो सकता है आपको 1 साल और अगर मिला होता प्रैक्टिस का तो शायद आप और नई कमाल करके दिखा देते। अभी लंबी कैरियर में आप कई बड़े टूर्नामेंट खेलेंगे, खेलना बंद नहीं करना चाहिए, रुकना भी नहीं चाहिए, एक भी मैच छोड़नी नहीं चाहिए। ये युवा दल इस बात का प्रमाण है कि स्पोर्ट्स में भारत का भविष्य कितना उज्ज्वल रहने वाला है।